रेवाड़ी में करंट लगने से गौवंश की मौत हो गई, जिसकी वजह से वहां के लोगों ने गुस्से में बावल रेवाड़ी मार्ग को जाम कर दिया। आपको बता दें कि सड़क के बीच बिजली के पोल से करंट आया था, जिसकी वजह से गौवंश की मौत हुई है। बावल के नज़दीक शीतला माता मंदिर के पास यह हादसा हुआ है। लोगों का कहना है कि पहले भी करंट लगने से यह हादसे हो चुके हैं, जिसकी वजह से दो लोगों की जान भी जा चुकी है। इसमें करंट आता है जी। अच्छा। बता ले करंट। हाँ, तो पहले भी दो आदमी मर लिए आगे। हाँ। बिजली बोर्ड तो उड़ली साइड में। हाँ। कई बार करंट मार लिया, मारे मार लिए, कई बार निकलता पड़ता, क्योंकि अपने घर है, तब इधर भी आना पड़ जाएगा तो इधर भी जाना पड़ जाएगा। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम तो ग्रिल की मांग कर रहे हैं। ग्रिल हट जाएगी तो करंट ही रहेगा, हट जाएगा अपना आप तो ठेठ तक ठेठ ग्रिल है, इसमें करंट ही करंट है। कदू करंट मार दे, कदू सिंह मार दे। ये जी रात को 10 बजे ये नंदी महाराज यहाँ पे खास गुजार रहा था, तो उसके कारण इसको करंट लगा और काफ़ी देर तड़पने के बाद में इसका मौत हो गई इसकी जी। आए दिन हादसे होते रहते हैं इसमें, पहले भी दो तीन हादसे हो चुके हैं, जो कि यहाँ पे एक लड़की की मौत हो चुकी है, दो तीन बंदे भी हो चुके हैं पहले। ये जो ग्रिल लगाई गई थी सन 2017-18 में ग्रिल लगाई गई जी, सबसे पहले तो ये सड़क की चौड़ाई कम थी और ये ग्रिल गलत लगाई गई, उसके बाद इसमें स्ट्रीट लाइट इसके साथ साथ लगा दी गई जी, और स्ट्रीट लाइट एडजॉइनिंग ग्रिल के साथ होने की वजह से इसमें आए दिन करंट आता रहता है। पहले भी एक ट्रेजडी, अभी एक टियाड़ा का लड़का युवक टकरा के करंट आने से मर गया था जी। पीछे एक किराएदार बिजली बोर्ड के सामने, उसमें भी करंट आ गया था। तो जैसे ही मैंने 21 जुलाई को पदभार संभाला नगर पालिका चेयरमैन का, हमने अपनी पहली मीटिंग 10 अगस्त 2022 को हुई थी जी। और पहला प्रस्ताव डाला भी जो रेवाड़ी रोड की लोहे की ग्रिल है उनको हटाया जाए और जो स्ट्रीट लाइट बीच में लगी हुई है उनको साइड में शिफ्ट किया जाए, लेकिन प्रशासन ने हमारे उस प्रस्ताव को सरकार के दबाव में आकर मंजूरी नहीं दी जी। उसके बाद 6 महीने बाद हमने दूसरा प्रस्ताव किया सर्वसम्मति से, अगर ये ग्रिल हटाई जाए, लाइट साइड में शिफ्ट की जाए, लेकिन जो जिला नगर आयुक्त एक पोस्ट बनाई गई है अपने उदय सिंह जी हैं SC जी, हमारा प्रस्ताव आज तक पेंडिंग है और उस प्रस्ताव की मंजूरी सरकार ने नहीं दी है।